मित्रों ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शुक्रवार यानी कि 25 जून 2021 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। हमारा जो भारतीय ज्योतिष पंचांग होता है वो होता है सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रयास्त पर आधारित। पंचांग एक संस्कृत का शब्द ही है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पांच अंगों से निर्मित, और वो पंचांग के पांच अंग होते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं पांचों चीज़ों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र की, और इन्हीं सभी चीज़ों की संपूर्ण सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं जो कि शुक्रवार 25 जून 2021 के लिए है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और संपूर्ण पंचांग का लाभ उठाइए। पंचांग का वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जो लिखें। मित्रों आज का पंचांग आपको बताना आरंभ करूं उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामना देते हैं उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से, आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी जो है वो हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए मैं आज के इनके मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए अंत हैं शुक्रवार 25 जून 2021 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। आज है विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, कली संवत 5123, माह आषाढ़, पक्ष कृष्ण ऋतु, तिथि रहने वाली आज प्रतिपदा। प्रतिपदा तिथि आज रात्रि के 9:53 तक रहेगा, तदुपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मूल रहने वाला आज, मूल नक्षत्र आज सुबह के 7:31 तक रहेगा, उसके बाद फिर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण बालव रहने वाला है, बालव करण आज सुबह के 10:57 तक रहेगा, उसके बाद फिर कौलवकरण आरंभ हो जाएगा। कौलवकरण आज रात्रि के 9:53 तक रहेगा, तदुपरांत देर रात्रि में तैतिलकरण आरंभ होगा जो कि सुबह तक चलेगा। योग आज का ब्रह्म रहने वाला है, ब्रह्म योग रात्रि के 12:41 तक रहेगा, उसके बाद फिर इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहने वाला है, पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा ना करें, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य आज का मीठी दही रहने वाला है, मीठी दही खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी। चंद्र राशि आज धनु आने वाली है, धनु राशि में चंद्रमा आज विराजित रहेंगे, व्रत त्यौहार में ऐसा कुछ नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर। सूर्योदय होगा सुबह के 5:24 पर और सूर्यास्त होने वाला शाम के 7:22 पर। चंद्रोदय होगा रात्रि के 8:15 पर और चंद्रयास्त सुबह के 5:35 पर होने वाला आज। शुभ चौघड़िया की अगर बात करें तो आज का शुभ समय रहने वाला दिन के 12:23 से लेकर 2:08 तक, और आज का चर समय सुबह के 5:24 से लेकर 7:08 तक रहने वाला है। आज का लाभ समय सुबह के 7:09 से लेकर 8:54 तक रहने वाला है। अमृत समय की बात करें तो वो रहने वाला है सुबह के 8:54 से लेकर 10:38 तक। ये तो थी आज की शुभ चौघड़िया। आइए अब जानते हैं आज के राहुकाल गुलिककाल की स्थिति को। राहुकाल एक अशुभ समय होता है, ये रहने वाला दिन के 10:38 से लेकर 12:23 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल बचें, आपको असफलता हाथ लग सकती है। गुलिककाल एक शुभ मुहूर्त होता है, ये रहने वाले दिन के 7:09 से लेकर 8:54 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं आप। विजय मुहूर्त आज का रहने वाला है, दिन के 2:43 से लेकर 3:39 तक। अभिजीत मुहूर्त बीच में छूट गया, अभिजीत मुहूर्त रहने वाले दिन के 11:55 से लेकर 12:51 तक। अभिजीत मुहूर्त भी एक शुभ मुहूर्त होता है, इसमें भी आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त आज का रहने वाला है शाम के 7:10 से लेकर 7:34 तक। तो मित्रों यहाँ पर मैंने आपको आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग बताया। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ, और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।